पनवाड़ी विकासखंड के ब्लॉक सभागार में शासन द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शासन द्वारा महत्वाकांक्षी योजना में गरीब बेटियों के लिए शासन द्वारा जारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बुधवार को पनवाड़ी के ब्लॉक सभागार में 2023 का दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से सम्पन्न हुआ। ब्लॉक सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कुल 43 वरवधु ने परिणय सूत्र के बंधन में बंध कर जन्म जन्म के साथ जीने की कस्में खाई। ब्लॉक सभागार में कक्ष में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में पांच पांच जोड़ों की टोली में जयमाला कार्यक्रम चला, जिसके बाद विद्वान पंडित दीपक व्यास के द्वारा वैदिक रीति रिवाज के साथ फेरे और शादी से जुड़ी अन्य रस्में संपन्न हुई। आयोजन में खंड विकास अधिकारी संत राम, ग्राम प्रधान, संगठन जिलाध्यक्ष संजय द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख अंजना, श्री प्रकाश अनुरागी के साथ क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सम्मेलन में विवाह के लिए कुल 43 जोड़ों ने भाग लिया था, जिसमें विनीता संघ, सुरेंद्र, रीना संघ, भूपेंद्र, करिश्मा संघ, भूपेंद्र, सुधा संघ, दिनेश भूरी, कुशवाहा संघ, जयपाल, कुमारी गायत्री संघ, ब्रजभान राजपूत आदि 43 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। ब्लॉक प्रमुख अंजना, श्री प्रकाश अनुराग ने शादी के दौरान पांव पखारने की परंपरा का निर्वहन किया, तो वहीं ग्राम प्रधान पनवाड़ी संजय द्विवेदी द्वारा सभी जोड़ों को कलश रूपी स्टील सेट प्रदान किया गया। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से लड़की के खाते में 35,000 की धनराशि के साथ चांदी की पायल, बिछिया, मोबाइल सेट, स्टील का बड़ा बक्सा, कपड़े और गृहस्थी में काम आने वाले बर्तन, शहद, खंड विकास अधिकारी के द्वारा वर वधु को शादी का प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी निर्दोष पटेल, राहुल पाठक, अरविंद तिवारी, अभिषेक चौरसी, आरती गुप्ता, राकेश, गणेश शंकर गुप्ता, सतीश कुमार, रामाश्रय यादव, विनय परिहार, धर्मवीर एवं संध्या वर्मा सहित ब्लॉक के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुस्लिम जोड़ा फरहानाज संग मोहम्मद साहिल का भी निकाह संपन्न हुआ।